हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करने के बाद लास्ट में जितने भी क्वेश्चन किए रहेंगे उसका करेंगे सुपर फास्ट रिविजन, और कल के क्वेश्चन का यहाँ पर लिया जाएगा टेस्ट। और सबसे लास्ट में आज के क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी चीज़ें आपकी इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप सभी को टाइम टेबल बता देते हैं पूरे दिन भर वनडे एग्जाम टारगेट पर आप लोगों के लिए कितनी क्लासेस चल रही है। तो यहाँ पर टाइम टेबल देखिए, मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर की क्लास है, दूसरी क्लास है दोपहर के 3 बजे, और तीसरी है शाम के 8 बजे। 3 क्लासेस चल रही हैं, तो तीनों क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? विकल्प आप सभी के सामने है, तो ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है मनरेगा की। एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग क्लियर करते चलेंगे। मनरेगा हमने कहा है कि करंट और जीएस का ऐसा कॉम्बिनेशन इस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में लेकर के चलेंगे कि आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और साथ साथ में आपका जीएस और करंट 100% तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मनरेगा के बारे में जानते हैं। पहले बात आ जाती है यहाँ पे मनरेगा की, तो मनरेगा के बारे में जानते हैं। मनरेगा को शॉर्टकट में इस तरीके से लिखा जाएगा, MNREGA, मनरेगा। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी, एम से महात्मा गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया, ये अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत कोई ग्रामीण परिवार है उनमें जो वयस्क सदस्य हैं उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और उनकी मजदूरी कितनी होगी, 220 रुपये। एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और इसके तहत उसे 220 रुपये मजदूरी दी जाएगी एक दिन की। शुरू में मनरेगा को नरेगा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, नरेगा, एम आगे नहीं जुड़ा था, ठीक है, शुरू में इसे नरेगा कहा जाता था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। लेकिन इसे 2 अक्टूबर 2009 को इसका फिर से नामकरण किया गया, और इसे महात्मा गांधी इसमें जोड़ा गया। फिर इसके पहले ये था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, फिर उसके बाद एम जुड़ने के बाद महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया। अब यहाँ पर हम लोग मैप में देखते हैं छत्तीसगढ़, ये रहा आपका छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से सबसे पहले ये देखते हैं सटे हुए राज्य कितने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो सटे हुए राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, कितने राज्य सटे हुए, ये आप जब तक मैप नहीं देखेंगे तब तक क्लियर नहीं जान पाएंगे। ये मैप देखेंगे छत्तीसगढ़, और फिर ये क्लास सुने रहेंगे, और ये पूरी इमेज, ये पूरा स्क्रीन आपके माइंड में चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले ये जानिए रायपुर है, और इससे सटे हुए राज्य कितने हैं गिनते जाइएगा। इससे सटा हुआ राज्य पहला उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। दूसरा राज्य यहाँ पे कौन सा सटा हुआ है, तेलंगाना। तेलंगाना दूसरा राज्य जिसकी राजधानी है हैदराबाद, दूसरा राज्य, पहला उड़ीसा, दूसरा हो गया तेलंगाना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टच कर रहा है आंध्र प्रदेश, ये तीसरा राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक। चौथा यहाँ पे देखिए, चौथा राज्य ये है महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई। पाँचवा राज्य यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल। छठा राज्य यहाँ पे देखिए यूपी है जिसकी राजधानी है लखनऊ, यहाँ पे थोड़ा सा टच कर रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, और ये कितने राज्य हो गए, एक
उड़ीसा दूसरा हो गया, आंध्र प्रदेश तीसरा, तेलंगाना चौथा, महाराष्ट्र पांचवा, मध्य प्रदेश छठा, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे एक राज्य झारखंड। तो पूरे 7 स्टेट हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से टच करती है। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा छत्तीसगढ़ से टच करती है। मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती। विकल्प में रहेगा एक उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए बिहार माइंड में तो आपको लगेगा छत्तीसगढ़ के बगल बिहार है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सीमा ये बिहार की नहीं टच करती छत्तीसगढ़ से। क्लियर है? छत्तीसगढ़ इंडिया का 9वां बड़ा राज्य है जिसकी सीमा 7 राज्यों से लगती है और इसे धान का कटोरा, राइस बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। धान का कटोरा, यहाँ पर धान की पैदावार ज़्यादा होती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, इस राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को इस राज्य का गठन हुआ। वर्तमान में इसके राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानमंडल एक सदनीय है जिसमें विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं, राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है? यहाँ की मुख्य नदी, अगर हम मुख्य नदी की बात करते हो तो यहाँ की मुख्य नदी है महानदी। यहाँ की जो मुख्य नदी है वो महानदी है। और हसदो एक नदी है, हसदो जो कि महानदी की सहायक नदी है। और दूसरी नदियों में रिहंद नदी है, इंद्रावती है, अर्पा है, विश्वनाथ। रिहंद और इंद्रावती भी खूब पूछी जाती हैं। यहाँ पर चावल की व्यापक खेती होने की वजह से इसे धान का कटोरा कहते हैं। और राज्य में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है गौरतला। आपको यहाँ पर मनरेगा और छत्तीसगढ़ से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। गूगल पे यूपीआई के लिए एक मेन ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इससे पहले शिखा शर्मा एक्सिस बैंक की सीईओ थी और एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ पर जानते हैं गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? गूगल के वर्तमान सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? विकल्प यहाँ पे सही हो जाते हैं थंगजाम धवाली सिंह को। ऑप्शन यहाँ पे आपका ये सही होगा, थंगजाम धवाली सिंह को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मणिपुर के रहने वाले हैं, ये एक डॉक्टर हैं। ये पुरस्कार उन्हें जापान ने क्यों दिया? ये पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। ये पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं और एम टी एफ मणिपुर टूरिज्म फोरम के संस्थापक हैं ये धवाली सिंह। इस सम्मान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को ये दिया जाता है। और इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेजी के द्वारा 1875 में शुरू किया गया। और यहाँ पे बात आ जाती है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा क्या है? एन है। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो अबे।
अगले क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग दिया गया, किसे दिया गया? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी को। GI टैग मिलनी है क्या? GI टैग इसका फुल फॉर्म है भौगोलिक संकेतक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, ये खास भौगोलिक पहचान के लिए कुछ उत्पादों पर GI टैग दिया जाता है। मेनली ऐसे उत्पादों के लिए दिया जाता है जिनका एक भौगोलिक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है, जहाँ पर केवल उसी स्थान पर ये पाए जाते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र यही होता है। अच्छा, GI टैग मिलने के बाद होता क्या है? इन प्रोडक्ट को अच्छी कीमत मिलती है और साथ ही साथ कोई अन्य उत्पादक उस नाम का दुरुपयोग करके अपने सामान की मार्केटिंग भी नहीं कर सकता। तो ये GI टैग का फायदा होता है। यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी GI टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। और यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, जो भौगोलिक संकेतक है GI टैग, इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। क्लियर है? चलते हैं अब इन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ब्लैक राइस या काला चावल, ये कहाँ का है? ये मणिपुर का है। मणिपुर के काले चावल जिसे चाखाओ भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा चाखाओ। और ये टेराकोटा गोरखपुर का है। और ये कोविलपट्टी कदलाई मित्तई, ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। अब ये ब्लैक राइस या काला चावल, इसकी क्या खासियत है? इस चावल की जो किस्म है, इसका रंग गहरा काला होता है और इसका वजन अन्य रंग के चावलों की किस्मों की तुलना में अधिक होता है। जैसे कि आप लोग भूरा चावल देखते होंगे, वैसे ही चावल का जो अधिक वजन और इसका रंग काला है, इसका मुख्य कारण क्या है? एंथोसायनिन है। एंथोसायनिन यह चावल मेनली मिठाई दलिया बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, ये इसकी खासियत है। अब दूसरी खासियत आपको गोरखपुर टेराकोटा की बताते हैं। अब दूसरा यहाँ पे गोरखपुर टेराकोटा के बारे में जानते हैं। ये बहुत ही पुराना है और इसमें जो शिल्पकार होते हैं, दोमट मिट्टी, ये दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। दोमट मिट्टी से तैयार की जाती है इसमें आकृतियाँ, और जब ये पकाई जाती हैं तो इसका रंग अपने आप से निखर करके सामने आता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि इसकी आकृतियाँ, इस मिट्टी से जो भी आकृति बनाई जा रही है, नक्काशी की जा रही है, दीपदान बनाया जा रहा है, मोर बनाया, कुछ भी बनाया जा रहा है, इसमें सांचे का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिल्पकार इसे हाथों से ही गढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरा, जान लेते हैं तीसरा जिसे GI टैग मिला है, कोबिल पट्टी कदलाई मित्तई। ये एक मिली तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली की कैंडी है। ये मूंगफली और गुड़ से कैंडी को तैयार किया जाता है, ठीक है? और इसमें विशेष रूप से थामी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। किसका? थामी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ साथ में जितना मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया है, क्वेश्चन का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जितने जितने शब्द यूज किए गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा। मिली GI टैग किसी क्षेत्र विशेष के उत्पाद को दिया जाता है, उसकी विशिष्टता, उसकी पहचान को बताने के लिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #WeWillWin अभियान शुरू किया? तो विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है बी, फीफा ने, FIFA। फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ने #WeWillWin नाम का एक अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया गया, जो इस महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं।
फीफा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई ये जानते हैं। इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो, ज्ञानी इन्फेंटिनो। इसके महासचिव हैं फातिमा समोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। हाल ही में किसने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी, गिरधर अरमाने। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है और उन्हें ये नियुक्ति संजीव रंजन की जगह पर मिली है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया। संजीव रंजन को उन्हीं की जगह पर गिरधर अरमाने को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार मिला है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी जी हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में साल 2020 में कई एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। विकल्प यहाँ पे ए सही हो जाता, प्रोफेसर टी प्रदीप को। ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं टी प्रदीप थलप्पिल, इनका पूरा नाम है थलप्पिल प्रदीप, तो शॉर्टकट में टी प्रदीप। इन्हें 2020 में कई एशिया पुरस्कार मिला, ने कई एशिया पुरस्कार KKEI एशिया प्राइज 2020 से इन्हें नवाजा गया। अब ये यहाँ पे आप लोगों के लिए नया वर्ड है, ये पुरस्कार किसे दिया जाता है। निक्कई एशिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया के लिए सतत विकास और इसे बेहतर भविष्य के निर्माण कार्यों में योगदान दिया हो। ये पुरस्कार तीन श्रेणी में दिया जाता है। तीन श्रेणी कौन कौन सी, औद्योगिक और व्यावसायिक नवाचार में, दूसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तीसरा है संस्कृति और समुदाय के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। तो तीनों पुरस्कार की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, प्रोफेसर टी प्रदीप को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया। यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में किसे दिया गया, प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप जो कि भारत के हैं। दूसरी श्रेणी यहाँ पर देखिए, संस्कृति और समुदाय, इसमें राम प्रसाद कदेल को दिया गया जो कि नेपाल के हैं। देखिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार में एंथनी टैन जो कि मलेशिया के हैं और टैन हुई लिंग ये भी मलेशिया के हैं, इन्हें दिया गया। दो लोगों को दिया गया आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार में। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को मिला है, इन्हें ये पुरस्कार क्यों मिला है। इन्हें प्रोफेसर टी प्रदीप को ये पुरस्कार क्यों मिला, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड पानी फिल्टर विकसित करने के लिए ये पुरस्कार प्राप्त किया है, जिससे भारत में 2 पैसे, कितने, 2 पैसे प्रति लीटर की दर पर पीने योग्य स्वच्छ पानी मिल सकेगा। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है कौन सा। ऑप्शन सही हो जाता है ये रामायण। रामायण ये धारावाहिक हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड इसने बना लिया है। एक ही दिन में इस पौराणिक कार्यक्रम को एक दिन में पूरी दुनिया में लगभग 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा देखा गया। और ये जो धारावाहिक है रामायण को रामानंद सागर के द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया। और ये कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया था। कब, 2003 में इसने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया था। किस लिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पौराणिक धारावाहिक, पौराणिक सीरीज। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। यहाँ
क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, कौन सा राज्य? विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे ये, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करेगी किस योजना के तहत? तो ये योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, इसके तहत पूरे राज्य के नागरिकों को शामिल किया जाएगा, यानी कि राज्य की 100% 100% आबादी को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। देखिए पहले क्या था, इस यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की 85% आबादी को कवर किया जा रहा था, लेकिन जब से ये नई घोषणा हुई इसके साथ राज्य के शेष 15% 15% लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लोग मुफ्त और कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकेंगे, और इस योजना का आवेदन करने के लिए लोगों को राशन कार्ड और अधिवास प्रमाण पत्र, इन दस्तावेजों की ही जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा कुछ तामझाम इसमें नहीं है। बात आ जाती है महाराष्ट्र की, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। फ्रेंड्स यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन आज हो जाते हैं कंप्लीट, चलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा एक बार उसका जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य बन गया है, कौन सा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, बी शिखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हाल ही में जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे, ए थंगजाम धवाली सिंह को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में GI टैग किसे दिया गया? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, डी ब्लैक राइस या काला चावल, गोरखपुर टेराकोटा, कोबिल पट्टी, कदलाई मितई, इन सभी को GI टैग प्रदान किया गया। हाल ही में किसने अपने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए हैशटैग वी विल विन अभियान शुरू किया? ऑप्शन बी फीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, सी गिरधर अरमाने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ये, प्रोफेसर टी प्रदीप। जितने भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे आज देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है, आप लोगों ने डिटेल जब हम बता रहे थे क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया, ये है सुपर फास्ट रिविजन, तो यहाँ पर हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं खर्च करेंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना? ऑप्शन ए रामायण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, ये महाराष्ट्र। फ्रेंड्स यहाँ पर सुपर फास्ट रिविजन भी कंप्लीट हो गया, चलते हैं कल के क्वेश्चन के टेस्ट की तरफ। आप लोग जल्दी जल्दी से उसके रिप्लाई कीजिएगा, साथ साथ में मिलाते चलिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, साथ साथ में आपका बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन भी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? ऑप्शन सी 16 मई। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कौन सी COVID-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित की? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक संपन्न हुई? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाइस एडमिरल GM हीरा नंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की? ऑप्शन ए। हाल ही में केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंच की स्थापना की? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, चावल निर्यात संवर्धन मंच।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पुलिस द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी, दिल्ली पुलिस के द्वारा। साहित्य अकादमी से सम्मानित हाल ही में किस बंगाली लेखक का निधन हो गया? ऑप्शन सी, देवेश रॉय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान FIH प्रेसिडेंट कौन है जिनका हाल ही में कार्यकाल बढ़ा करके 2000 मई 2021 कर दिया गया? ऑप्शन ए, नरेंद्र बत्रा। कल के सवाल का जवाब, क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की? तो इसका उत्तर है बी, वेस्ट बंगाल। ये रहा आज का सवाल आप सभी के लिए। हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है, कौन सा राज्य है जो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला बन गया है? तो विकल्प कौन सा सही होगा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी से रिप्लाई करनी है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा और हमेशा की तरह फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही साथ में मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। किसी भी कंडीशन में आपको 6 बजे मंडे एग्जाम टारगेट चैनल पर जरूर पहुंच जाना है, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर, 6 बजे मॉर्निंग में क्लास डेली स्टार्ट हो जाएगी 6 बजे। बस एक ही टारगेट रखिए कि मॉर्निंग में 6 बजे ये क्लास जरूर हम ज्वाइन करेंगे, आपके बहुत काम की क्लास है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्लास है, 30 नंबर सबसे ज्यादा स्कोरिंग। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी से दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए। एक स्टूडेंट कम से कम 10 दोस्तों में अपने शेयर जरूर करेगा, अपने फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, किसी भी जगह शेयर करिए, चाहे जैसे भी, ये सभी में शेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे और आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो पढ़ते रहिए और 6 बजे अपनी नींद खराब करने के लिए तैयार रहिए। मेरा एक ही लक्ष्य है मॉर्निंग की क्लास का कि आप सभी की नींद को खराब करना है और आप लोगों को ट्रैक पर लाना है, लाइन पर लाना है, जो आप लोग सोते रहते हैं, आलसी बने रहते हैं। तो मॉर्निंग में उठना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं फिर इसी के साथ ही दोपहर की क्लास में 3 बजे, तब तक लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर 3 बजे की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।